कोरोना महामारी से पूरा भारत देश जूझ रहा है। दूसरी तरफ बख्शी तालाब के विधायक अविनाश द्विवेदी लगातार अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों से लगातार संपर्क बनाए रहते हैं, उनका हालचाल जाना करते हैं। इस महामारी के दौर में आज तकरोही क्षेत्र में आकर लोगों से हालचाल जाना, लोगों से उनका अपना दुख दर्द बताया। कुछ क्षेत्रीय लोगों ने वहाँ के रोड सड़क के बारे में समस्या संबंधित बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए कोरोना वायरस है। ठीक, लोग चोरी चोरी खरीद भी रहे थे, जो 500 रुपए, जैसा कि मैंने सुना, मैं तो पीता नहीं हूँ, लेकिन हमारे बहुत से साथी लोग हैं जिनके मुंह से मैं सुनता रहता हूँ 500 की 2000 की बोतल 2000 में बिक रही थी। एक ये हो गया था। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, एक वो शराब बनने लगी थी, वो वाली जो कच्ची शराब बनने लग गई थी बहुत बड़े पैमाने पर। अब वो कच्ची शराब बड़ी घातक थी और उसके जो दुष्परिणाम आए हैं, दुष्परिणाम हमेशा ऐसे आए कि या तो एकदम से लोगों की आंखें चली गई या मृत्यु हो गई। तो सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तब ये निर्णय लिया, लेकिन अब इसको जो है खोल देना ही उचित है, नहीं तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। और फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया की तरफ भी हम लोग हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है और बहुत दिन तक लोग अपने अपने घरों में रहने में उनको दिक्कत हो रही है, उनको रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है। तो एक इस प्रक्रिया में है, जैसे अभी मजदूरों का चल रहा है कि जो मजदूर जहाँ का उसको वहाँ भेजा जाए, हमारे यहाँ का आदमी अगर कहीं बाहर है तो उसको अपने यहाँ लाया जाए कि जब हमारी लॉकडाउन एकदम से खुल जाए एकदम से भगदड़ मचेगी, और जब भगदड़ मचेगी तब इस कोरोना को संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा। अच्छा, सरकार ने सर क्या यही कदम उठाया कि धीरे धीरे खुलने का आदेश है, आदेश करेगी? कोई आदेश नहीं है, आदेश करेगी? नहीं नहीं, आदेश नहीं करेगी। आदेश तो देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।